शुरुआत करते हैं पांचवें नंबर से, पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पॉपकॉर्न पसंद ना हो, मूवी देखते समय इसका स्वाद लेने का अलग ही मजा है। चलिए देखते हैं बड़ी फैक्ट्रीज में इसे बनाने का ये बेहतरीन तरीका। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि पॉपकॉर्न बनता किससे है। प्रोसेस में हाई क्वालिटी और बेस्ट वैरायटी वाले कॉर्न्स को प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। सूखे कॉर्न को कन्वेयर बेल्ट और स्कैल्पर मशीन के जरिए फैक्ट्री में ट्रांसफर किया जाता है। अब कॉर्न को वर्कर्स प्रोसेसिंग के लिए एक एक करके लाइन में रखते हैं, जहां से छिलके निकालने का काम होता है कुछ इस तरह। इसके बाद एक और लाइन से वर्कर्स कॉर्न को दूसरी मशीन में रखते हैं, जहां से बीज जिसे कर्नल कहते हैं वो निकालते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले कर्नल्स को अब फुल्ली ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट में प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है, जहां से ये माइक्रोवेव तक जाते हैं। माइक्रोवेव में हॉट एयर पॉपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कर्नल फटकर पॉपकॉर्न में परिवर्तित होते हैं। अगली प्रोसेसिंग में पॉपकॉर्न की कोटिंग होती है, जहां इन कॉर्न्स के साथ ऑयल, सॉल्ट और फ्लेवर मिक्स किया जाता है। इसके बाद किटल में सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जहां ये सब मिक्स होकर इस तरह सिरप बनाते हैं, और उस सिरप को 300 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। सिरप थोड़ा हार्ड हो जाए उसके बाद फटे हुए कॉर्न्स को उसमें डालते हैं, जहां मशीन इसे सिरप के साथ अच्छे से मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट पे डाल देती है। कोटिंग के बाद इसमें थोड़ा लेसिथिन ऐड किया जाता है, ताकि पॉपकॉर्न एक दूसरे के साथ चिपके ना। एक घंटे में 500 किलोग्राम तक पॉपकॉर्न प्रोड्यूस कर सकती है मशीन। नंबर 4, मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पेश करता हूं आपके सामने शुद्ध पानी बनाने वाले बिस्लेरी ब्रांड की प्रोसेसिंग। एक बहुत ही क्लीन और एडवांस्ड प्रक्रिया से गुजरने वाले इस प्रोसेसिंग के पहले स्टेप में पानी को अलग अलग नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ग्राउंड वाटर, नदी आदि से कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाते हैं। इसके बाद पानी का ओजोनाइजेशन किया जाता है, जिसमें ओजोन कच्चे पानी के माइक्रोबैक्टीरियाज मार देता है। नेक्स्ट प्रोसेस है सैंड एंड कार्बन फिल्ट्रेशन। इसमें पानी को बड़े बड़े सैंड और कार्बन फिल्टर में रखा जाता है। पहले सैंड फिल्टर में पानी फिल्टर होता है और पाइप से कार्बन फिल्टर तक इस तरह जाता है। ये स्टेप पानी से किसी भी रेत और 30 माइक्रोन तक के आकार के धूल के कणों को हटा देता है। अगला स्टेप है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें पानी टैंक से पाइप्स के जरिए एक ऐसी शेल में जाकर प्रोसेस होता है, जो पानी की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए इसमें अतिरिक्त लवण और खनिज को हटाता है। इसके बाद होता है मिनरलाइजेशन, जिसके लिए पानी पाइप से 3 मिनरल टैंक्स तक जाता है। इस प्रोसेस में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई वाइटल मिनरल्स पानी में ऐड किए जाते हैं, जो पानी को पीने के लिए हेल्दी बनाते हैं। इसके बाद का प्रोसेस है माइक्रोन फिल्ट्रेशन। इसके लिए बड़े प्रोडक्ट टैंक से पानी 3 माइक्रोन फिल्टर्स से गुजरता है, ताकि पानी से छोटे छोटे पार्टिकल्स हटाए जाएं, और फिर पानी की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इसे रीओजनाइज किया जाता है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। काफी जबरदस्त प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस में पहले प्लास्टिक के बॉटल्स को किस तरह मशीन में प्रोसेस करके बनाते हैं, अब देखिए जरा। इसके बाद बॉटल्स को पानी से भरने का काम होता है। ये काम भी मशीन करती है और फिर बिस्लेरी की लेबलिंग की जाती है। सारे प्रोसेसेस पूरे हो जाएं उसके बाद बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पे इस तरह रोबोटिक मशीन पैक करती है, देखिए कैसे। नंबर 3, रेजिन मेकिंग मशीन। रेजिन यानी कि किशमिश एक स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट है, जो हमारे शरीर के लिए काफी हेल्दी है। आपको तो पता ही होगा कि किशमिश अंगूर से बनता है, और इसलिए इस प्रोसेस में सबसे पहले अंगूर उगाने का काम होता है। बड़ी फील्ड्स में अच्छी देखभाल के साथ उत्पन्न किए गए अंगूर को प्रोसेसिंग से पहले हार्वेस्ट किया जाता है। अंगूर के गुच्छों को वर्कर्स द्वारा इस तरह कलेक्ट करके फैक्ट्री तक लाते हैं। यहाँ इसे एक एसी फार्म हाउस में रखा जाता है और धूप से बचाते हैं इनको। फार्म हाउस में रस्सी से बनी कई सारी ट्रेज हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक बनाया गया है। इन ट्रेज में वर्कर्स कलेक्ट किए हुए अंगूर के गुच्छों को एक एक करके रखते हैं, और यहाँ अंगूर इस तरह नीचे लटका नजर आता है। मौसम के हिसाब से अंगूर को 2 से 4 हफ्तों तक ट्रे पे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस समय के दौरान अंगूर की नमी 75% से 15% तक कम हो जाती है,
और फल का रंग भूरे बैंगनी में बदल जाता है। पूरी तरह से सूखने के बाद इन्हें बॉक्सेस में कलेक्ट करके प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां सबसे पहले इन्हें साफ किया जाता है। इसके लिए किशमिश की क्वालिटी चेक करके इसे कन्वेयर बेल्ट पे डालते हैं, जहां किशमिश से धूल मिट्टी सहित सभी गंदी चीजें हटाई जाती हैं। इसके बाद इन्हें अगली प्रोसेसिंग लाइन में लेके जाते हैं, जहां पर किशमिश को पानी से धोकर साफ करती है मशीन। अब मशीन इन्हें सुखाकर कन्वेयर बेल्ट पे रखती है, जहां वर्कर्स खराब किशमिश छांटकर हटाते हैं। अगले स्टेप में अब ये सब एक ऐसी मशीन से प्रोसेस होंगे, जहां पे किशमिश से स्टेम को हटाया जाएगा। प्रोसेसिंग पूरी हो जाए इसके बाद इन्हें लैब में परीक्षण करके इस तरह पैक किया जाता है। नंबर 2, सोया चंक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सोया चंक या बारी, जिसे पुअर मैन्स मीट कहते हैं, एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसे बनाने के लिए सोया प्लांट्स के बड़े बड़े फील्ड से सोयाबीन पॉड्स को कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाकर प्रोसेसिंग यूनिट में रखते हैं। अब लैब में इन पॉड्स के जरिए क्वालिटी चेक करते हैं और फिर इन्हें मशीन में साफ होने के लिए रखा जाता है। इस प्रोसेस में मशीन के एक साइड से साफ होकर पॉड्स निकलती हैं, तो दूसरी साइड से पॉड में मौजूद गंदी चीजें निकलती रहती हैं। अब इन पॉड्स को बड़ी मशीन के अंदर क्रश किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, और फिर इन्हें प्री हीट यानी कि गर्म किया जाता है, जो कि एक्सट्रूजन प्रोसेस तक जाता है। ज्यादातर काम इन बड़े बड़े मशीन्स के अंदर होने की वजह से हम आपको ज्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस में पॉड्स को मशीन इस तरह पीस कर फ्लावर बनाती है, और फिर इन फ्लावर को मशीन दबाकर इसमें से तेल को अलग करती है। अब ये डिफ्लेटेड फ्लावर बन जाता है, मतलब कि इसमें फैट नहीं, सिर्फ प्रोटीन बचा है। इसे साफ करके मशीन में पकने के लिए रखा जाता है। मशीन इन्हें अंदर ही भाप में पकाकर सोया चंक्स का आकार देती है, जो ठंडा होकर कन्वेयर बेल्ट पे किस तरह निकलते हैं देखिए जरा। अब होता है पैकेजिंग का काम, जो काफी इंटरेस्टिंग है। प्लास्टिक के छोटे पैकेट्स को बनाने के लिए मशीन इस तरह इन्हें सोया चंक्स से भरकर सील करती है। बड़े पैकेट्स कागज के बने होते हैं। इसके लिए प्रिंट हुए कागज से मशीन पैकेट्स बनाती है और प्रोसेसिंग लाइन तक ले जाती है, जहां एक एक पैकेट में सोया चंक्स को इस तरह ऊपर से भर दिया जाता है और फिर इन्हें मशीन सील कर देती है, देखिए कैसे। पहले नंबर पे है मसाला पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अपने देश भारतवर्ष को मसालों का घर कहा जाता है। मसाले जो खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं आखिर मसाला पाउडर बनता कैसे है। मसालों में काफी फेमस मसाला है चिली पाउडर। इसे बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले मिर्च को कच्चे माल के तौर पे फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इन कच्चे माल से अशुद्धियों जैसे धूल मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि को दूर करके ड्रायर या धूप के माध्यम से सुखा दिया जाता है। अब सूखी हुई मिर्च को कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है, जहां से ये सब ग्राइंडिंग मशीन तक जाते हैं। ये कमाल की मशीन मसाले को अत्यंत बारीकी से पीसती है। पीसने का काम मशीन के अंदर होता है, जिसका काम खत्म होते ही पीसे हुए मसाले बाहर निकल कर आते हैं, देखिए कैसे। इन्हें वर्कर्स कलेक्ट करके दूसरी मशीन में रखते हैं, जहां पर एक और बार पीसने के बाद से इनका स्मूथ पाउडर तैयार होता है। अब इन्हें लैब में परीक्षण के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद ये पैकेजिंग के लिए रेडी हैं। मसालों को जार या पैकेट में पैकेज किया जाता है। कागज के बने पैकेट्स में पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कागज की बनी पैकेट्स। इन्हें रोबोटिक मशीन एक एक करके इस तरह ले जाती है, और यहां मशीन मसालों को इसमें भर के इसे सील कर देती है। अब देखिए जार्स में किस तरह मसाले भरकर सील करते हैं और फिर उसे पैक किया जाता है। छोटे छोटे पैकेट्स की बात करें तो इसमें हॉपर से मसाला इस तरह पैक होता है, जिसमें मशीन के एक हिस्से से पैकेट्स रोल होकर निकलते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।